हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। आज हम ट्विन्स प्रेगनेंसी के बारे में 12 ऐसे फैक्ट शेयर करने वाले हैं जो आपको जरूर पता होने चाहिए। तो सबसे पहला फैक्ट है, ट्विन्स में जो लेबर पेन होते हैं वो नॉर्मल की अपेक्षा काफी लंबे समय तक चल सकते हैं। ट्विन्स में जो डिलीवरी होती है उसको होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। एक बेबी के बाहर आने के कुछ मिनट बाद ही दूसरा बेबी भी बहुत आसानी से बाहर आ जाता है। और दूसरा फैक्ट है, जो आपकी गर्भाशय ग्रीवा होती है उसके सबसे ज्यादा पास में जो बेबी डेवलप हो रहा होता है उसको बेबी ए बोला जाता है और दूसरे को बेबी बी बोला जाता है। एंड तीसरा फैक्ट है, 50% से अधिक ट्विन्स ऐसे होते हैं जो 37 वीक से पहले ही पैदा हो जाते हैं। एंड चौथा फैक्ट है कि आपको ट्विन्स प्रेगनेंसी में बहुत ही ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती है। एंड पांचवा फैक्ट है कि आपको ट्विन्स प्रेगनेंसी में बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। एंड छठवा फैक्ट है कि ट्विन्स में सी सेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। एंड सातवां फैक्ट है, जुड़वा बच्चों की अपनी एक भाषा होती है। आपने अक्सर ट्विन्स को आपस में बड़बड़ाते हुए देखा होगा। जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल लिंग्विस्टिक्स में एक शोध के अनुसार ट्विन्स बेबी क्रिप्टोफेसिया नामक भाषा बोलते हैं जिन्हें केवल ट्विन्स बेबी ही आपस में समझ सकते हैं, बट जब वो बड़े होते हैं तो वो अदर भाषाएं सीख लेते हैं जिस वजह से वो अपनी भाषा भूल जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, दोनों ट्विन्स बेबी का जन्म अलग अलग तरीकों से भी हो सकता है। बेबी ए का जन्म वजाइना के थ्रू एंड बेबी बी का जन्म सी सेक्शन के द्वारा होता है। और ऐसा तब होता है जब अक्सर बेबी बी किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में फंस जाता है। फैक्ट नंबर 9, ट्विन्स प्रेगनेंसी में आपको एक्स्ट्रा देखभाल की जरूरत पड़ती है। फैक्ट नंबर 10, अगर आपकी फैमिली में ट्विन्स की हिस्ट्री रही है तो आपके ट्विन्स होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 11, 1800 और 1970 के बीच मृत्यु और जन्म का रिकॉर्ड के अध्ययन करने वाले यूटा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि ट्विन्स मदर उन मदर की तुलना में अधिक जीवित रहती हैं जिनके ट्विन्स नहीं होते हैं। एंड फैक्ट नंबर 12, ट्विन्स बेबी के साथ प्रेग्नेंट महिलाओं में एनीमिया की कमी होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए आपको ट्विन्स प्रेगनेंसी के दौरान अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। क्या आपको इन फैक्ट्स के बारे में पहले से पता था? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।